नमस्कार दिनर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर सह धरित्री बुलेटिन को स्वागत करुछि मु ऐश्वर्या। प्रथमे हेडलाइंस। मालकानगिरी रे शुभारंभ हैला स्मार्ट हेल्थ कार्ड। कागज पत्र पई आउ हेबा को पड़िबो नै हैरान। मुख्यमंत्री कहिले चिकित्सा पई लोके जमी बिकंती पिलांक पाठपढ़ा बंद करंती। एहा मते भारी दुख दिए। मौसुमी अधिवेशन पूर्वरु सर्वदलीय बैठक डाकिले बाचस्पति। अगस्ट 27 रे हेबो बैठक। गृह सुरखुरी चलाइबा को आशा। फार्म हाउस पोखरी जबत हेला छात्री मृतदेह। एंट्रेंस रिजल्ट भल न होबारु आत्महत्या करथिबा नै चर्चा। फार्म हाउस पोखरी को केमिति आसिला ताकु नै खोलताड़ करुछि पुलिस। अफगानिस्तान रु भारतीय को फेराई आनिबा कार्य को त्वरान्वित करिछि भारत। सेपटे काबुल रे फसिछंती 200 भारतीय। बाहर को बाहरिले गोली मारि देबा भय। तालिबान कहिला अफगानिस्तान पुनर्गठन रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिबो चीन। आसंता 23 तारीख रे खोलिबो आरडी रे बाबा अखंडलमणि पीठ। एसओपी जारी कले जिल्लापाल। सकाळ 6टा रु संध्या 8टा पर्यंत दर्शन पई खोला रहिबो मंदिर। वर्तमान संपूर्ण खबर। मालकानगिरी रे स्मार्ट हेल्थ कार्ड रो शुभारंभ कले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। एही अवसर रे मुख्यमंत्री किछि हिताधिकारी को स्मार्ट हेल्थ कार्ड बंटन करिछंती। देश रे प्रथम थर पई ओडिसा चिकित्सा क्षेत्र रे एहा आरंभ करिछि। राज्य रे 96 लाख परिवार रो 3.5 कोटि लोक एही कार्ड जोगे चिकित्सा सुविधा पाई परिबे। पुरुषों को 5 लाख और महिलाओं को 10 लाख टंकार चिकित्सा सुविधा मिलिबो। एथिपई आउ लोकों को कागज पत्र पई अधिक समय किंबा हैरान हेबा को पड़िबो नहीं। जातीय और राज्य खाद्य सुरक्षा हिताधिकारी को विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना रे स्मार्ट कार्ड मिलिबो। एहा सेप्टेम्बर रो पहिलारु लागू हेबो बोली कहिछंती मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री आहुरी मध्य कहिछंती चिकित्सा पई लोके जमी बिकंती पिलांक पाठपढ़ा बंद करंती। एहा मते भारी दुख दिए। सेमानक दुख दूर करिबा पई ए व्यवस्था करा जायछि। मो पई प्रतिटी जीवन मूल्यवान। सब ओडिसावासी मो परिवार बोली कहिछंती मुख्यमंत्री। सेप्टेम्बर पहिलारु मौसुमी अधिवेशन आरंभ हेबाकु थिबारु एनै सर्वदलीय बैठक डाकिछंती बाचस्पति सूर्य नारायण पात्र। अगस्त 27 तारिख रे बसिबो सर्वदलीय बैठक। विधानसभा रे किभळी मौसुमी अधिवेशन सुरखुरी रे चालिबो सेनै आलोचना करिबा पई सर्वदलीय बैठक डाकिछंती बाचस्पति। आसंता सेप्टेम्बर 1 रु 9 तारिख पर्यंत विधानसभा चालिबो। अधिवेशन सकाळ 11टा रु आरंभ हेबो बोली समन जारी करिछंती राज्यपाल। भुवनेश्वर रघुनाथपुर रास्ता कडरे थिबा एक फार्म हाउस पोखरी रु जणे छात्रिंग को मृतदेह उद्धार होईछि। घटनास्थल रे पुलिस पहुंची तदंत आरंभ करिछि। छात्रिंग कर किभळे मृत्यु हैला ताकु नै कोनोसी स्पष्ट सूचना मिली नै। जेई एंट्रेंस रे भलो रिजल्ट न हेबारु से गतकाली घरु चली आसीथिबा कहा जाउछि। मृत छात्रिंग को बापा भुवनेश्वर एक इंजीनियरिंग कॉलेज रे प्रोफेसर बोली जणा पडिछि। परिवार लोकन को कहिबा अनुसार झी गतकाली निज मां को सहित पाखापाखी राति 12टा बेले सोइथिले। मात्र राति प्राय 3टा बेले मां झी को पाई नथिले। घरर कबाट गेट खोला रहितला। अन्यपटे फार्म हाउस पोखरी को छात्री केमिति आसिले एमिति विभिन्न दिग को नै खोलताड़ करुछि पुलिस। कोटिया को निज दखल को नेबारे टिक्के हेले सुजोग छाडू नाही आंध्र। ओडिशा भितर को पशि लोकों को लोभ देखाई विभिन्न उन्नयनमूलक कार्य करुछि। आंध्र पक्षरु पटु सिनेरी रे पंचायत गृह आरोग्य भवन और अंगनवाड़ी केन्द्र शुभ दि जाइथिबा बेले फगु सिनेरी रे विद्यालय अंगनवाड़ी केन्द्र आरोग्य केन्द्र और कृषक भरोसा केन्द्र आदि भित्तिप्रस्तर स्थापन करा जाइथिबा जणापड़िछि। एससीएफ सौम्यरंजन मृत्यु मामलें क्राइम ब्रांच गुरांडी थाना ओआईसी ममता पंडा को जेरा करी। से सौम्य आंबुलांस अटकई सौम्य परिवार लोके अभियोग करदंत परिसरभुक्त कर पूर्व ममता पुलिस जेरा सम्मुखीन होते से ही समय अनेक प्रश्नर उत्तर देवा पड़ता क्यों कारण निज थाना छाड़ पार्ला खेमुंडी घटनास्थल को आसी आंबुलांस क्यों कारण अटकई क्राइम ब्रांच अधिक खोलताड़ कर। आसंता 23 तारीख रे खोलिबो आरडी रो बाबा अखंडलमणि को पीठ। एने भद्रक जिलापाल एसओपी जारी करिछंती। शनिवार सानिटाइजेशन पई मंदिर बंद रहिबो। सेहिबळी 10 रु कम ओ 65 वर्ष रु अधिक वयस्क लोक मंदिर न आसिबाकु परामर्श देइछंती जिलापाल। सकाळ 6टा रु संध्या 8टा पर्यंत मंदिर खोला रहिबो। भक्त और सेवायतों पर मास्क बाध्यतामूलक। सामाजिक दूरता को मध्य गुरुत्व देछि प्रशासन।
ଭୋଗ ଫୁଲ ଆଦି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ବିବାହ ମେଳା ଆଦି ଉପରେ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ ଭକ୍ତ। ଟ୍ୱିଟର ପରେ ଏବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେଇଛି ଫେସବୁକ୍ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ପୋଷ୍ଟକୁ ଫେସବୁକ୍ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବେ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ଜଣେ ନାବାଳିକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିବାର ଫଟୋକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଯାହା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ ଅପମାନ ଦର୍ଶାଇ ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ଲଗିଂ ସାଇଟ୍ ଟ୍ୱିଟର ରାହୁଲଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ହଟାଇବା ସହ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ଏବେ ରାହୁଲଙ୍କ ସେହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତାଲିବାନ ଦଖଲକୁ ଯିବା ପରେ ଏବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି ଭାରତ। ଏନେଇ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେଲ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ ଏକ ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କାବୁଲର କସାବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ। ସେମାନେ ସେଠାରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଦେଶକୁ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ତାଲିବାନ। ତାଲିବାନୀ ବାହାରେ ଫାଙ୍କା ଗୁଳି ଚାଳନ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋବ୍ଲେ ଆମେରିକା ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପୁନର୍ଗଠନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ଚୀନ। ଚାଇନିଜ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ରଡ୍କାଷ୍ଟକୁ ଦେଇଥିବା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ତାଲିବାନୀ ମୁଖପାତ୍ର ସୁଶୀଲ ଶାହିନ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ପାଣିପାଗ ଖବର। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବର୍ଷା ଆଜିଠାରୁ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ଲଘୁଚାପର ଟ୍ରପ୍ଲାଇନ୍ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ତ ସମୟ ହୋଇଛି, ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ଧରିତ୍ରୀ ବୁଲେଟିନ୍କୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ www.dharitri.com। ନମସ୍କାର।